तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। देखो ये बेसिकली क्या कहता है कि इस क्वेश्चन में ए बी सी एक वेक्टर है, ए बी सी तीन वेक्टर हैं। वो कहते हैं कि इनका रिजल्टेंट जीरो है। ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो जीरो दे रहा है, तो ऑब्वियसली एक ट्रायंगल तो बना ही रहे हैं, ठीक है। तो ये कहता है थ्री वेक्टर टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द थर्ड वेक्टर आर रूट टू टाइम्स दैट आइदर ऑफ द टू वेक्टर। देखो अगर आप इसको एलजेब्रा से करोगे तो बहुत लेंदी जाएगा, लेकिन अगर मैं ट्रिक से करूँ, ज्योमेट्री का यूज करूँ, तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहता है जो दो पहले वाले दो वेक्टर हैं रूट थ्री टाइम्स ऑफ आइदर ऑफ द टू वेक्टर। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वेक्टर ए ऐसा हो और वेक्टर बी ऐसा हो जो कि आपस में बराबर हैं। ए और बी का मॉड आपस में इक्वल है ऐसा कहा जा रहा है, और ये मॉड जो तीसरा वेक्टर है जो कि ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा हो ऐसे होगा, तभी तो वेक्टर सी ऐसे होगा, तभी तो रूट टू टाइम्स वेक्टर ए आएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, ए या बी बराबर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, इसको आगे बढ़ा दूं तो ए और बी के बीच का तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर एंगल क्या होता है भाई? वेक्टर एंगल होता है टेल टू टेल, हेड टू हेड। तो इस ए को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये वेक्टर एंगल होगा वेक्टर ए और बी के बीच। तो अगर मैं बी को आगे बढ़ाऊंगा इधर, तो ये वेक्टर एंगल होगा, ठीक है ना, ए और सी के बीच। तो ये अगर ये बराबर है तो ये 90 है, तो ये 45 होगा, और ये इस ट्राइंगल में ये भी 45 होगा। तो ये जो वेक्टर एंगल ये वाला आ जाएगा वो तो आ जाएगा 135 यार, ठीक है। और अगर मैं सी को आगे बढ़ाता हूँ, इधर मैं सी को आगे बढ़ाता हूँ, तो सी का टेल और ए का टेल एक पे आ जाएगा, तो ये वेक्टर एंगल होगा जो कि 135 होगा। तो 90, 135 और 135, मतलब 90, 135, 135, ये इनके बीच का एंगल होगा। मतलब ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अगर इसको एलजेब्रा से करोगे आप तो लेंथ ही जाएगा। थैंक यू।